हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात CH आत्मा की, वो गायक जिन्होंने गीत संगीत की दुनिया में अपने पहले ही गीत से धमाकेदार एंट्री की। हिंदी फिल्मों में भी उसी जोर शोर से उन्होंने कदम रखा, लेकिन उनकी इस कामयाबी की उम्र बहुत लंबी नहीं रह पाई। मुकेश और किशोर कुमार की ही तरह CH आत्मा ने भी KL सहगल की छाप के साथ पार्श्व गायन के क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन मुकेश और किशोर कुमार के विपरीत हिंदी सिनेमा ने CH आत्मा को कभी भी सहगल की छाया से बाहर आने ही नहीं दिया। और इसी छटपटाहट को मन में दबाए वो महज 52 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। स्वर्गीय CH आत्मा के बारे में मेरी ये बातचीत उनके छोटे भाई गायक चंद्रू आत्मा से माहिम के कैडल रोड स्थित उनके फ्लैट पर हुई थी। CH आत्मा का जन्म 3 दिसंबर 1923 को कराची में हुआ था। उनके पिता हशमत राय चैनानी कराची के एक जाने माने वकील थे और गीत संगीत का उन्हें बेहद शौक था। पिता का यही गुण उनकी सबसे बड़ी संतान CH आत्मा में भी आ गया था। ये वो दौर था जब हर तरफ KL सहगल की धूम मची हुई थी। CH आत्मा भी सहगल के दीवाने थे और उन्हीं के गीत गाते थे, लेकिन महज शौकिया तौर पर। गायन को व्यवसाय बनाने की उन्होंने कभी सोची नहीं थी। चंद्रू आत्मा बताते थे, एक बार छुट्टियों में भाई साहब मौसी के घर लाहौर गए। वहां लोग उनके गायन से इतना प्रभावित हुए कि स्टेज कार्यक्रमों में उन्हें सहगल के गीत गाने के लिए बुलाया जाने लगा। CH आत्मा के स्टेज कार्यक्रमों की सफलता ने उन्हें लाहौर भर में इतना मशहूर कर दिया कि HMV कंपनी ने उन्हें खास तौर से बुलाकर एक प्राइवेट एल्बम रिकॉर्ड कराया। और उस गीत प्रीतम आन मिलो दुखिया जिया बुलाए के संगीतकार थे महज 18-19 साल के OP नैयर। CH आत्मा का असली नाम आत्मा हशमत राय चैनानी था, लेकिन अपनी पहली रिकॉर्डिंग में उन्होंने इसे बदलकर अपना नाम CH आत्मा रख लिया था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बना। प्रीतम आन मिलो साल 1945 में रिकॉर्ड हुआ था। चंद्रू आत्मा बताते थे, बंटवारे के बाद हमारा परिवार कराची से पुणे चला आया। भाई साहब को हिमालयन एयरवेज में को पायलट की नौकरी मिली तो वो कोलकाता चले गए। उधर प्रीतम आन मिलो जबरदस्त हिट हो चुका था और उसके रिकॉर्ड्स की बेतहाशा बिक्री हो रही थी, लेकिन भाई साहब और हमारे घर वाले इस बात से बेखबर थे। लाहौर में उस जमाने के जाने माने निर्माता निर्देशक दलसुख M. पंचोली का अपना स्टूडियो हुआ करता था, जहां उन्होंने पंचोली आर्ट के बैनर में यमला जट, खजांची, खानदान और जमींदार जैसी पंजाबी और हिंदी की कई हिट सुपर हिट फिल्में बनाई थी। पंचोली की ही फिल्मों से संगीतकार गुलाम हैदर, पार्श्व गायिका शमशाद बेगम, अभिनेता प्राण और अभिनेत्री मनोरमा ने अपना करियर शुरू किया था। बंटवारे के बाद पंचोली भी मुंबई चले आए थे। चंद्रू आत्मा बताते थे, भाई साहब के गाए प्रीतम आन मिलो से पंचोली इतने प्रभावित थे कि उन्होंने साल 1951 की अपनी फिल्म नगीना के लिए भाई साहब को खोजकर कोलकाता से मुंबई बुला लिया था। फिल्म नगीना में शंकर जयकिशन के संगीत में CH आत्मा के गाए तीनों सोलो गीत रोऊं मैं सागर के किनारे, सागर हंसी उड़ाए, एक सितारा है आकाश में और दिल बेकरार है मेरा बेहद लोकप्रिय हुए थे। और फिर अगले ही साल यानी 1952 में प्रदर्शित हुई अपनी फिल्म आसमान में दलसुख M. पंचोली ने प्रीतम आन मिलो के संगीतकार OP नैयर को ब्रेक दिया। हालांकि OP नैयर इससे पहले साल 1949 की फिल्म कनीज में बैकग्राउंड म्यूजिक दे चुके थे। फिल्म आसमान में भी CH आत्मा ने 3 सोलो गीत इस बेवफा जहां में, रात सुहानी हंसते तारे और कछु समझ नहीं आए गाए थे। फिल्म आसमान से ही आशा पारेख ने भी
बतौर बाल कलाकार अपना करियर शुरू किया था। चंद्रू आत्मा के अनुसार साल 1954 की अपनी फिल्म भाई साहब में दलसुख पंचोली ने सीएच आत्मा को बतौर हीरो ब्रेक दिया। इस फिल्म में उनकी नायिकाएं थीं स्मृति बिस्वास और पूर्णिमा। फिल्म भाई साहब के निर्देशक थे दलसुख पंचोली के भांजे रविंद्र दवे, जिन्होंने अपने दशकों लंबे करियर में कुल 33 हिंदी और 26 गुजराती फिल्मों का निर्देशन किया था। उसी साल यानी 1954 में सीएच आत्मा फिल्म बिल्व मंगल में सुरैया के ऑपोजिट बतौर हीरो नजर आए। फिल्म भाई साहब में उन्होंने 8 और बिल्व मंगल में 6 गीत गाए, लेकिन ये दोनों ही फिल्में असफल रहीं। ये वो दौर था जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे गायक स्थापित हो चुके थे। सहगल की शैली पुरानी पड़ चुकी थी। ऐसे में करियर के शुरुआत में ही सी एच आत्मा पार्श्व गायन के लिए अनुपयोगी मान लिए गए। हालांकि साल 1954 की महात्मा कबीर, साल 1956 की ढाके की मलमल और साल 1957 की जहाजी लुटेरा में जरूर उन्हें एक एक गीत गाने को मिला। इनमें ढाके की मलमल में ओपी नैयर के संगीत में उनका गाया दिया तो जला सब रात रे बालम उस जमाने में सुपरहिट हुआ था। चंद्रू आत्मा के अनुसार सीएच आत्मा स्टेज कार्यक्रमों और प्राइवेट अल्बमों में जरूर लगातार व्यस्त रहे। साल 1957 में नैरोबी जाकर देश से बाहर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले वो पहले भारतीय गायक थे। बड़े भाई की शागिर्दी में चंद्रू आत्मा भी एक बेहतरीन गायक के तौर पर स्टेज शोज में हिस्सा लेने लगे थे। उन्होंने 1977 की भूमिका और साहिब बहादुर, 1978 की प्रेम बंधन, 1982 की कामचोर और 1988 की मारधाड़ जैसी फिल्मों में गीत गाए, लेकिन उन्हें भी सहगल के ही ढांचे में बांध दिया गया। फिल्म कामचोर में उनका गाया तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और उस जमाने में बेहद लोकप्रिय हुआ था। सीएच आत्मा को हमेशा ही ये बात सालती रही कि उनकी मौलिक आवाज का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया। साल 1964 की गीत गाया पत्थरों ने उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने उमर खय्याम की भूमिका करने के साथ साथ दो गीत मड़वे तले गरीब के और एक पल मिला है तुझको गाए थे। चंद्रू आत्मा बताते थे भाई साहब की शादीशुदा जिंदगी भी सफल नहीं रही थी, जिसका उनके मन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। साल 1975 में वो कार्यक्रम के सिलसिले में लंदन गए तो वहां की सर्दी ने उन्हें जकड़ लिया। वापस लौटकर भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और लगातार 8 महीने बीमार रहने के बाद 6 दिसंबर 1975 को महज 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उधर चंद्रू आत्मा का जन्म 17 सितंबर 1938 को कराची में हुआ था और उनका निधन 71 साल की उम्र में 12 अप्रैल 2009 को मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी बीते दौर के जाने माने पार्श्व गायक सी एच आत्मा की। सी एच आत्मा के बारे में उनके छोटे भाई गायक चंद्रू आत्मा के साथ हुई डिटेल्ड बातचीत का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में, डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।